नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में। बैलेंस स्कोर कार्ड 1992 में दो जेंटलमैन थे, मिस्टर नॉर्टन और मिस्टर कापलान, जिन्होंने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में एक स्टडी प्रेजेंट की थी और वहाँ पे इन्होंने ये बताने की कोशिश की थी जो पॉलिसी थी जब उसको डिप्लॉय कर रहे हैं तो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट तक ना रहे, नीचे तक लोग उसमें इन्वॉल्व हों। तो उन्होंने चार फैक्टर्स के बारे में बात की थी, फाइनेंस, देन कस्टमर, देन इंटरनल प्रोसेस एंड द लर्निंग एंड डेवलपमेंट। जब फाइनेंस की बात थी तो इंटेंट ये था कि किस तरीके से हम फाइनेंशियल टारगेट सेट करें विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी। जब हम बात करते हैं कस्टमर के बारे में तो इंटेंट ये था कि उसको अचीव करने के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन को क्या करना है, शेयर ऑफ बिजनेस कैसे बढ़ाना है। देन कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए जो तीसरा लेवल था वो इंटरनल प्रोसेस थे कि कैसे हमें प्रोडक्टिविटी को, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है जिससे उसे अचीव कर सकें। एंड देन फोर्थ लेवल लर्निंग एंड डेवलपमेंट, कैसे हम लोगों की कॉम्पिटेंस को ट्रेनिंग के द्वारा एनहांस करें जिससे कि हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट को और ओवरऑल टारगेट पूरे कर सकें।